चलिए गाइस, एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो कितने साल का हो जाता है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बचकाना सवाल है, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है तो साल की बात कहां से आ गई। आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन सवाल बचकाना नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर साउथ कोरिया में जन्मे बच्चों की। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में जो बच्चा जन्म लेता है वो पहले दिन ही एक साल का माना जाता है? अब ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन है कि वहां के लोगों का ये मानना है कि बच्चे ने 9 महीने पेट में भी निकाले हैं, इसीलिए जब वो पैदा होता है तो बजाय उसे एक दिन का मानने के वो उसे एक साल का मानते हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने और उसे बताने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इससे नॉलेज बहुत बढ़ती है। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पूरी ही दुनिया का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला बिस्किट कौन सा है? तो चलो मैं इसका जवाब दे ही देता हूं। इस सवाल का जवाब है पार्ले जी। जी हां गाइस, पार्ले जी, जिसके एक दिन में लगभग 48 करोड़ पैकेट खाए जाते हैं। यानी कि जितने देर में आपने ये वीडियो देखा है उतनी ही देर में लगभग 20,000 पैकेट पार्ले जी के खुल चुके होंगे, है ना गाइस, अमेजिंग फैक्ट। चलिए गाइस, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जरा गेस करिए। आपका गेस बिल्कुल ठीक है, वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है? अफसोस की बात यह है कि जिस टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, उसका उपयोग वो अपने ही घर पे अपनी मां से और अपनी पत्नी से बात करने के लिए नहीं कर सकते थे। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन यह है कि उनकी मां और उनकी पत्नी दोनों डेफ यानी कि बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। ऊपर वाले का खेल देखिएगा इसे। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक बच्चे ने चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते देखा, तो उसे लगा कि उड़ने के लिए कीड़े मकोड़े खाना जरूरी होता होगा। तो उसने कुछ कीड़े इकट्ठे किए और उनका घोल बनाकर अपने दोस्त को पिला दिया और उसके उड़ने का इंतजार करने लगा। वो दोस्त उड़ तो नहीं पाया लेकिन बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी मम्मी से उस बच्चे को डांट सुननी पड़ी। पर किसी को क्या पता था कि एक दिन ये सनकी लड़का विश्व विख्यात वैज्ञानिक बनेगा। Yes, I'm talking about Thomas Alva Edison, जिसने हजार विफलताओं के बावजूद भी हार नहीं मानी और प्रयास करते करते बल्ब का आविष्कार कर डाला। उनके हिसाब से सफलता निश्चित है अगर आप एक बार और प्रयास करो तो। सिक्किम में एक भारत चाइना बॉर्डर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक भारतीय सैनिक को सेना के लिए सामान लेके जाना था। अचानक से ग्लेशियर की चपेट में आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव 3 दिन तक लगातार भारतीय सेना ढूंढती रही, लेकिन उसका शव ही नहीं मिला। उसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। कहा ऐसा जाता है कि उस सिपाही ने अपने एक साथी के सपने में आके बताया कि उसका शव कहां है। अगले दिन सुबह जब उसके शव को ढूंढा गया तो ठीक उसी जगह पर उसका शव मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। और गाइस, कहा तो यह भी जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारतीय चाइनीज बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रही है, और वहां पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए एक स्पेशल चेयर छोड़ी जाती है। गाइस, मैं बाबा हरभजन सिंह के जज्बे को और भारत के हर सैनिक के जज्बे को दिल से सलाम करता हूं। एक बंदा ट्रेन से जा रहा था, अचानक से टीटी आया, उसने कहा कि सर टिकट दिखाइए। तो बंदा टिकट ढूंढने लगा अपनी जेब में सूटकेस में, लेकिन मिला ही नहीं। तो टीटी ने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूं, आप टिकट लाए होंगे, आप रहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने टिकट ढूंढना नहीं छोड़ा। फाइनली टीटी ने कहा कि सर आप टिकट क्यों ढूंढ रहे हैं, आपसे टिकट कोई नहीं मांगने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर उस बंदे ने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं कहां जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना भुलक्कड़ आदमी है, टिकट खरीदने के बाद भूल गया कि उसे कहां जाना था। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, मानव इतिहास में उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा माना गया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड E=MC² जैसी इक्वेशंस के लिए विश्व विख्यात हैं। बात अजीब है लेकिन सच है।